জিনিসটা লাভ উঠানো চাইয়ে মতলব লাভ লো সবাই। আমি তো ত্রিপুরার যে যে ফার্মিং করার ইচ্ছা আছে তাদের সবাই বলো এখানে আসো। আগে ফার্মিং করতে হলে ট্রেনিং লওয়ার দরকার আছে, ট্রেনিং নিয়েই ফার্মিং চালু করে। নেই তো এত টাকা রুজি, মানে এটার মধ্যে অনেক ইনভেস্ট আছে, ঠিক আছে না? লাভবান হবো আমি যে শুয়ার গুলো আনলাম সব কিছু করলাম, দেখো আমার এখানে 20 কোটি টাকা খরচ হলো, 20 লাখ টাকা, 20 লাখ টাকা খরচ হলো। আর যদি শুয়ার যদি মারা যেত আজকে কি হতো? আমার ও তো আপনারা এখানে গেলাম, আপনারা ফিডব্যাক দিয়ে দিলাম ভালো ভালো, এইটা লাগান এটা লাগান, তারপরে যে আমি ঠিক আছি। मुझे लगता है सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों के पास पैसा है यहाँ पे, मतलब पैसा तो है, कुछ लोगों के पास पैसा है और कुछ लोग एडवांस तरीके से फार्मिंग करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रेनिंग का उनके पास सुविधा नहीं है, इसके कारण तो समस्या काफी समस्या होती है। तो चलिए आपने जो जो आपके यहाँ जैसे फार्मिंग है, जैसे आपके यहाँ 1500 सूअर का फार्म है, नरेश भाई के यहाँ 2000 सूअर का फार्म है, जब वहाँ पे उस चीज को खाते नहीं है और इतना बड़े बड़े फार्मिंग कर रखा है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता उस चीज? यहाँ जगह का मतलब किसी चीज का कमी थोड़ी है, सिर्फ यहाँ पे ज्ञान की कमी है, मैंने जानना है, मैंने किसी को इस चीज को मालूम नहीं है, नॉलेज की कमी है बस, और कुछ नहीं है। नहीं तो यहाँ पाल सकते, जो आप लोग वहाँ पाल सकते यहाँ पाल सकते हैं, वहां से तो 4 गुना महंगा बिक रहा है। आप लोग 110-120 रुपए में बेच रहे हो, हम लोग यहाँ बेचते हैं तो ये कम से कम 300 रुपए 400 रुपए किलो के हिसाब से बेचते हैं।